हेलो फ्रेंड, विद द न्यू एपिसोड ऑफ टेल्स बाय लाइट आई एम मुस्तसीर। आज जो है मैं शूट करने आया हूँ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का लास्ट T20 फाइनल मैच जो लाहौर में इस टाइम कज़ाफी स्टेडियम में हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको अपने इस फोटो जर्नलिज्म ब्लॉग में बता दूँ कि मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में था। ये फाइनल 46 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, तो अचानक पता नहीं इनसे क्या हुआ, इनके बॉलर से कंट्रोल नहीं हुआ, इन्होंने बहुत मार खाई। साउथ अफ्रीका ने इनको बहुत बड़ा रन दे दिया चेस करने को। अब पता नहीं ये करते कि नहीं, लेकिन जो आज का हमारा फोटोजर्नलिज्म का व्लॉग है उसमें हमारे साथ इस्लामाबाद से AFP न्यूज़ एजेंसी के चीफ फोटोजर्नलिस्ट आमिर कुरैशी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। तो हमने उनसे बात की है, वो स्पोर्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और स्पोर्ट्स को कवर करने में उनका काफ़ी तजुर्बा है। इस वक्त वो नाइकॉन D5 और G6 II कैमरा से काम कर रहे हैं, तो उनसे कुछ मैं टिप्स भी लेता हूँ और बताऊँगा आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि निकॉन D5 और G6 II में क्या डिफरेंस है। और जो है इस वक्त पाकिस्तान 30 पे खेल रहा है, इनका कोई भी नुकसान विकेट का नुकसान नहीं हुआ हुआ। और इसमें आज मैं आपको इनका एक बताऊंगा कि एक फोटो जर्नलिस्ट कौन होता है और वो कैसे काम करता है और उसके पास क्या फोटोग्राफी गियर्स होते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आमिर कुरैशी साहब के काम का लिंक जो है मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा, उस लिंक को ओपन करके आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया है और उनकी तस्वीरें दुनिया के किस किस बड़े न्यूज़पेपर में प्रिंट हो चुकी हैं। और उसके साथ ही आप मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आमिर कुरैशी साहब से। मेरा नाम आमिर कुरैशी है, मैं एज ए चीफ फोटोग्राफर एजेंसी फास्ट प्रेस में काम करता हूँ इस्लामाबाद में। मैंने अपना काम का आगाज 1996 से स्टार्ट किया था एज ए फोटोग्राफर कराची में। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने डायरेक्टली एजेंसी फास्ट प्रेस में उन्हें स्टार्ट अपना काम किया 90s के अर्ली में। ये इस्टेब्लिश हुई थी, फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी है, दुनिया के 3 टॉप न्यूज़ एजेंसीज में से एक नाम एजेंसी फास्ट प्रेस AFP का है। ऐसे बहुत सारे इवेंट ऐसे थे ला तादाद जिनको मैंने याद रखा हुआ बिल्कुल। इसमें बेनज़ीर का मैंने अराइवल कवर किया था जब वो 10 साल बाद लंदन से वापस पहुंची थी पाकिस्तान। वो पूरा हमने सुबह अर्ली से स्टार्ट किया था, वो दोपहर तक हम उनके कॉन्वॉय के साथ चलते रहे, पूरा दिन हम उनके साथ मूव करते रहे, ट्रांसमिशन भी हम उस दौरान कर रहे थे। तो शाम को तकरीबन कोई 7:30 या 8 बजे करीब बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें बेनज़ीर सर्वाइव कर गई थी और हम थोड़ा से क्लोज थे। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हम उसमें सर्वाइव कर गए और बहुत बड़ा ब्लास्ट था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का। तो ऐसे लातादाद ऐसे बहुत से इवेंट हैं जिसमें मैं खुद बॉम्ब ब्लास्ट में ज़ख्मी हुआ हूँ कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर ड्यूरिंग कवरेज। तो ये हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कोई ब्लास्ट हुआ है तो हमने फौरन रश किया अपने ऑफिस से, और करीब ही था वो, हमारे ज़्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट की डिस्टेंस में हम वहाँ पहुँचे। तो वो अभी हम शूट ही कर रहे थे तो उसके पीछे एक सस्पेक्टेड कार पार्क हुई हुई थी। पुलिस लोगों को बहुत उससे मतलब डिस्टेंस रखने का कह रही थी कि यार ये सस्पेक्टेड है, कुछ पता नहीं इसका, ना खुदा न खास्ता कोई ब्लास्ट ना हो जाए। तो उसी दौरान हम कवरेज कर ही रहे थे कि एक बहुत ही उससे बड़ा वो ब्लास्ट था। तो वो बस जैसे हुआ उसमें मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं दूर जाके गिरा। तो जैसे ही ऐसा लगा आंखों के सामने कोई अंधेरा आ गया, फिर जब मैं उठा सेकंडों के बाद तो फौरन मैंने उठते ही अपनी शूटिंग शुरू कर दी वही कवरेज, जो लोग भाग रहे थे, आग लगी हुई थी, गाड़ियां सारी जल रही थी वहाँ। तो उसी दौरान थोड़ी देर में मुझे कुछ फील हुआ कि मैं शायद अब कुछ मुझे मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ ना। उसी दौरान मेरे दोस्तों ने मुझे वहाँ पर मुझे ट्रीटमेंट के लिए फ़ौरन मुझे वहाँ से इंसिडेंट साइट से लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ मेरी ट्रीटमेंट वगैरह हुई। उसमें काफ़ी जर्नलिस्ट उसमें ज़ख्मी हुए थे, तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि उसमें बच गए। ये बड़ा ही टेक्निकल चीज़ें हैं इन चीज़ों से, क्योंकि
लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि क्या आपको करना चाहिए अगर टियर गैस वगैरह, लाठी चार्ज या फायरिंग वगैरह हो रही हो। तो बेहतर ये है कि जाने से पहले आप अपनी चीज़ों को, जो भी आपके पास गैस मास्क है, बुलेट प्रूफ जैकेट है जो आपके इदारे ने आपको फ्राहम की है, हेलमेट वगैरह लाजमी हो, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके साथ आप देसी जो चीज़ें होती हैं, नमक रख लें अपने साथ, प्याज रख लें अपने साथ, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने आप को कवरेज कर भी सकते हैं और आप उससे सिक्योर रह सकते हैं, टियर गैस से बच सकते हैं। अपने आप को मतलब साइड में रह के कोशिश करें कि इस तरह आप क्लैशिंग के दरमियान आप बीच में ना आए, तो साइड से रह के काम करें तो बेहतर यही होता है। हाँ, दोनों चीज़ें अपने टाइम में बेहतर थी ना, दोनों चीज़ें ना, चाहे वो आपकी नेगेटिव हो या फिर आप डिजिटल जो आपकी आ गई सारी फोटोग्राफी। नेगेटिव के वक्त यही होता है कि आपके पास बड़ी लिमिटेड चीज़ें होती थी, फिल्में वगैरह बड़ी आपको, आपके पास हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 100 आशा या 200 आशा की फिल्में हुआ करती थी उस वक्त, और वो भी इदारे बड़े कम दिया करते थे। तो वो एक हर चीज़ को आपने कैलकुलेटेड आपने फोटोग्राफी करनी पड़ती थी, उस दौरान सारा आपने मैनुअली काम करना पड़ता था, चाहे वो डेवलपिंग हो, प्रिंटिंग हो। तो वो भी एक बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था, जो अभी भी याद करके हम उसे बड़ा उसको एंजॉय करते हैं और बड़ा याद करते हैं उसको। अभी जब डिजिटल फोटोग्राफी आ गई, ये इसने बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया ना फोटोग्राफी को। तो आपको हर चीज़ आपके पास है तैयार, अच्छे कैमरे हैं आपके पास, उसी टाइम आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, आपके फिंगर्स पे सारा काम हो रहा होता है। आपने अगर कमांड है आपके पास कैमरे के, आप फौरन ही आप हर चीज़ सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और बड़ा ईजी हो गया है ये डिजिटल फोटोग्राफी। एक फ़ोटो जर्नलिस्ट का रोल मॉडल तो यही होना चाहिए कि आप वेल थोड़े से मतलब कम से कम आप एजुकेटेड हों, आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं तो कम से कम एक आपकी जो भी उर्दू है, जो नेशनल लैंग्वेज है, वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरीज होनी चाहिए, ताकि आप अगर कोई स्टोरी पे काम कर सकें तो किसी किस्म की कोई किसी किसी को हेल्प तो आप ले सकते हैं, लेकिन यह कि आप आपके पास एजुकेशन होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और काफ़ी हमारे कोलीग्स हैं इस फील्ड में जिनसे मैंने सीखा है और अभी तक सिलसिला चल रहा है सीखने का ना। तो अच्छे लोग थे बड़े, जैसे मेरे उस्तादों में से मैं उनको कहता हूँ, सईद बंगर साहब थे, ज्वेल समद था जो कि जिससे मैंने काफ़ी सीखा, सईद बंगर साहब ही मुझे इस फील्ड में ज़्यादातर उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था, वही मुझे लेके आए थे। तो ऐसे बहुत सारे, जाहिद हुसैन साहब हमारे एक फोटोग्राफर हैं कराची से, जो कि इंस्टीट्यूट है हमारे लिए। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे नए फोटो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना, तो अच्छे हैं सारे, अच्छे हैं। फोटो जर्नलिज्म की तरबियत एज सच मैंने कहीं से हासिल नहीं की, क्योंकि मेरी जॉब ही पहले यही इसी कंपनी में आया हूँ मैं, एजेंसी फ्रांस प्रेस में। तो वहीं पर ही मैंने अपने जो मेरे सीनियर्स थे उनसे मैंने सीखा, उनको मैं मॉनिटर करता था, बड़ा क्लोजली उनको देखता था किस तरह से काम करते हैं, किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वो अडॉप्ट करने की कोशिश की मैंने सारी उनसे, और समझने की कोशिश की, देखता था मैं न्यूज़पेपर सारी मैं चेक किया करता था, क्योंकि इंटरनेशनल वायर वगैरह उस पर मैं सारा उसको नोट करता था कि किस तरह से दुनिया भर से कवरेज आ रही है। तो ये फोटो जर्नलिज्म एक बड़ा ही अंतक मेहनत का काम है, और इसमें क्योंकि आगे बहुत हाई फाई किस्म की लाइफ है आपकी, लोग आपके व्यूवर्स बड़े पढ़े लिखे हैं, और आपकी जो जॉब है उसमें आप एक बड़ा अपना क्रिएटिव आप काम करके देना होता है आपने उसमें ना। तो आपको बेहतर है कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं, जो आपके पास आप करना चाह रहे हैं, जो काम जो आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एजुकेशन हो और आपके पास बैकग्राउंड में चीज़ें होनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास सारा होमवर्क होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ कि निकॉन D5 जो है वो ऐसे मतलब आप स्पोर्ट्स फील्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त है, कमांड होती है आपके उसके ऊपर,
आपको उसमें काम करने का मज़ा आता है। आप जब बड़ा कोई हैवी आप जूम या टैली लेंस लगाते हैं तो आपको बहुत उसमें आपको एक कमांड होती है काम करने की, आपको फ्रेमिंग बहुत अच्छी आ रही होती है। और जो Z6 जो है वो बड़ा लाइट वेट कैमरा है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं उसके, ये भी बहुत अच्छा कैमरा है Z2। और ये फीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप स्ट्रीट फीचर या दूसरे और फीचर्स वगैरह में काम करना चाहते हैं, तो लाइट से खेलना चाहते हैं, तो इसमें बड़ी चीज़ें हैं जिससे आप बड़े अच्छी अपनी पिक्चराइज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों बहुत अच्छे कैमरे हैं।